एक मेंढक था जो कि एक कुएं में रहा करता था। वो मेंढक कभी कुएं के बाहर गया ही नहीं था। उसने सारी जिंदगी उस कुएं में ही गुजारी थी। कुएं के बाहर की दुनिया उसने कभी नहीं देखी थी। एक दिन वो कुएं में आराम से बैठा हुआ था। इतने में ही कुएं के अंदर से एक मछली उसके पास आती है। वह मछली समुद्र से आई हुई थी। मेंढक उससे पूछता है कि तुम कहां से आई हो। मछली उसे जवाब देती है कि मैं समुद्र से आई हूं। अब मेंढक ने तो कभी समंदर देखा ही नहीं था, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी उस कुएं में ही गुजारी थी। तो मेंढक उससे पूछता है, समुद्र का मतलब क्या होता है? तो मछली उससे कहती है, समुद्र का मतलब जहां बहुत सारा पानी होता है। तो मेंढक एक छलांग मारते हुए मछली से कहता है कि इतना पानी होता है। मछली कहती है, नहीं नहीं, इतना सा पानी नहीं होता है। अब मेंढक पीछे जाकर एक बड़ी छलांग मारते हुए मछली को फिर से कहता है, क्या समुद्र में इतना पानी होता है? मछली फिर से मेंढक को कहती है कि इतना सा भी पानी नहीं होता है। अब मेंढक एक कुएं के कोने से लेकर दूसरे कोने तक छलांग मारता है और मछली से कहता है कि इतना ज्यादा पानी होता है। मछली फिर मेंढक को कहती है, अरे नहीं मेंढक, इससे कहीं ज्यादा पानी होता है। यह सुनने के बाद मेंढक मछली से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, इससे ज्यादा पानी कहीं होता ही नहीं है और कहीं होगी नहीं सकता। मेंढक ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में उतना ही पानी देखा था। मेंढक की सोच उस कुएं से ही शुरू होती है, उस कुएं पर ही खत्म हो जाती है। कुएं से ज्यादा पानी उसने अभी तक कहीं देखा ही नहीं है और ना ही कभी सुना है। और जब देखा ही नहीं है और सुना ही नहीं है तो सोचेगा कैसे, वो ये सब सोच ही नहीं सकता। तो मछली ने उसे क्या किया, उसे अपनी पीठ पर बैठाया और उस मेंढक को समुद्र में ले गई और कहा कि देख कितना पानी है। मेंढक ने देखा और देखकर चुप हो गया। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज बहुत से लोगों की जिंदगी उस कुएं के मेंढक की तरह हो गई है। जिनकी सोच एकदम छोटी है, उनकी सोच वही शुरू होती है, वही खत्म हो जाती है। वो अब बड़ा सोच ही नहीं सकते। वो अब बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। तो कुएं से बाहर निकलो, अपनी सोच के दायरे को बड़ा करो, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते हैं। किसी को पैसे दोगे तभी बड़ा ख्याल, बड़े सपने और बड़ी सोच आएगी, और ऐसा नहीं होता है। और वो कहते हैं ना कि जिस दिन से आपने अपनी सोच बड़ी कर ली तो बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं।